वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज। और आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने रिसेंटली बुक पढ़ी जिसका नाम है हार्मोन हाईजैक। एक लव स्टोरी है। और इस बुक की खास बात ये है ना कि ये बुक सेट है 90s में। और 90s में और आज के ज़माने में डिफरेंस क्या है? मोबाइल। मोबाइल के आने से ना सारी लव स्टोरीज बदल गई हैं। पर जब मोबाइल नहीं था तब की लव स्टोरीज का मज़ा ही कुछ और था। फ़ोन पे मिस कॉल देना, कैसे अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करना, वो एक इमोशंस डिफरेंट थे। और वो इमोशंस इस बुक में बहुत शानदार मिलते हैं। तो सोचा क्यों ना बात करें मोनिका गर्ग से, जिन्होंने ये बुक लिखी है, और बात करते हैं 90s वाली लव स्टोरी की। तो आइए ज्वाइन करते हैं मोनिका गर्ग के साथ। सो मोनिका, वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। थैंक यू। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आई नो यू लिव इन हैदराबाद, हमारी फ़ोन पर बात हुई, एंड आई हैव रेड योर बुक। इट्स वेरी ब्यूटीफुली रिटन। ब्यूटीफुल रिटन इसलिए ज़्यादा बोलूँगा मैं ना, क्योंकि मैं खुद 80s 90s वाला हूँ। तो वो जो 80s 90s वाला रोमांस और प्यार है ना बुक में, वो ना बड़ा दिल को छूता है। आई रिमेंबर दोज डेज ऑफ माई कि यार स्कूल में ना क्रश को एक मिस कॉल मार दिया या आवाज़ सुन ली और वापस रख दिया फ़ोन। तो वो जो फीलिंग है ना बड़ी अच्छी लगती है। और मेरी खुद की एक बुक है माई म्यूट गर्लफ्रेंड, विच इज़ मोर और लेस बेस्ड ऑन माई ओन स्टोरी, और वो भी 80s और 90s के ज़माने की है। तो उसमें ना वो वाला फील और वो टच ना, वो इमोशंस जाग जाते हैं आपके व्हेन यू रीड दोज थिंग्स। तो बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, मैं चाहूँगा ऑडियंस को आप खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। या श्योर। सो इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम अ ऑथर एट हार्ट। आई हैव बीन राइटिंग एंड स्क्रिबलिंग सिंस माई वेरी चाइल्डहुड। और लिखना मुझे पसंद था, और जब भी मुझे बहुत गुस्सा आता था तो मैं लिखती थी। और कोई भी लड़ाई झगड़ा कहीं भी मेरे आसपास होता था तो मैं लिखती थी। और मैंने लिखना तब बंद किया जब मम्मी की हाथ डायरी लग गई तो तो मम्मी को सारी कहानियाँ पता पड़ गईं। और देन आई रियलाइज्ड कि भाई लिखो तो ऐसे लिखो कि किसी को पता ना पड़े, पढ़ भी ले और पता ना पड़े एक्चुअली क्या हुआ। तो मैं और मेरी फ्रेंड है जिसका मैंने जिक्र इस किताब में भी किया है, तो हमने एक कोड लैंग्वेज निकाली और फिर हमने लिखना शुरू किया उस कोड लैंग्वेज के अंदर, जो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हमारे डिफाइंड होते थे। तो बचपन से लिखने का एक अंदर से मोटिवेशन रहता था। एंड जैसे जैसे मैं करियर में आई, प्रोफेशन में आई, आई एम MBA बाय प्रोफेशन, परसुइंग माय PhD एज ऑफ नाउ। एंड जैसे जैसे मैंने करियर के अंदर चीज़ें करनी शुरू करी, तो वेन एवर आई राइट समथिंग इन टर्म्स ऑफ गुड ईमेल और आर्टिकल इन ऑफिस, दैट वॉज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। तो जब वो अप्रिसिएशन मिलता था तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो कहीं ना अनफुलफिलमेंट की इच्छा थी बहुत ज़्यादा अंदर, कहीं ना कहीं लगता था कुछ अनफुलफिल्ड है लाइफ में। सो देन कोविड हैपेंड, एंड कोविड के अंदर आई लॉस्ट द लव्ड वन। एंड उस वजह से मुझे लगा कि नहीं, नाउ आई नीड टू पुट इन द एक्सप्रेशंस इन अ फॉर्म ऑफ समथिंग। तब मैंने कई सारी छोटी छोटी वर्कशॉप्स अटेंड करी सेल्फ पब्लिकेशन की, कैसे किताब लिखनी है, चीज़ें करनी है, एंड This book came into place. Fantastic. So it's beautifully written. I'll again say, बहुत अच्छी किताब है। But why 90s? मतलब आप Gen Z के बारे में भी लिख सकते थे, 80s के बारे में भी लिख सकते थे, 90s वाला era क्यों चुना आपने? 90s का era because वो कहीं ना कहीं जो पहली किताब होती है ना किसी भी author की, वो उसकी खुद की life से inspired होती है। तो इस किताब में मैंने कहीं ना कहीं एक middle class girl, जो कि मैं खुद भी हूँ, एंड उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है, उसका जो क्रिएशन होता है, वो मैं कहीं ना कहीं किताब में लाना चाहती थी। सो द प्रोटैगनिस्ट कविता विच आई हैव टॉक्ड अबाउट इन दिस बुक हैज़ बीन क्रिएटेड व्हाट शी वाज अर्लियर एंड व्हाट शी बिकेम आफ्टर दिस ब्यूटिफुल रोमांटिक थिंग दैट हैपेंड टू इन हिज लाइफ। सो वो सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी। उसमें कहीं ना कहीं मैं हूँ खुद भी, और मेरे फ्रेंड्स, उनकी लाइफ्स, चीज़ें जुड़ी हुई जो थी, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटी जो मेरी खुद की कहीं ना कहीं उभर कर आई, वो मैंने इस किताब में दर्शाई। तो कविता की जो आपने बात की, हाउ मच परसेंटेज इज यू इन कविता? आई थिंक सो 75%। She passed a distinction. Why I'll ask, मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा बताता हूँ। कहीं ना कहीं ना कविता बहुत इरिटेट करती है। Seriously, मतलब समझ में नहीं आता कभी उसकी तरफ है या इसकी तरफ है। See, romance एक ऐसी चीज़ है जो शायद मरते दम तक समझ में नहीं आता किसकी तरफ है। It is like agree, that. Agree. तो
90s का, मतलब 90s भी क्या मैं कहूँगा, 85 से लेके जो 90s तक का जो एरा था, जहाँ पे मॉडम्स हुआ करते थे, ट्रिन वाले फ़ोन हुआ करते थे, और जब चाचा के यहाँ फ़ोन आता था तो वहाँ से आवाज़ लगाई जाती थी कि भाई तुम्हारा फ़ोन आया है तो वो एरा ना, मतलब एक अलग ही एरा था जो आज की जनरेशन शायद उस एरा को नहीं समझती, महसूस भी नहीं कर सकती। तो आप उसको कैसे महसूस करते हैं? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एरा था, क्योंकि हमारे पास बहुत समय होता था अपने लिए, खुद के लिए और अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए। आज अगर कोई भी इमोशन हमारे अंदर आता है ना, किसी भी इंसान से रिलेटेड, हमारे लिए इतना इजी हो गया है उसको उठा के फ़ोन मिलाना, मैसेज कर देना, बोल देना, कह देना। हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते कि हमारा वो इमोशन एक्चुअली है क्या, और हम सिर्फ बस्ट आउट कर देते हैं। तो इट इज़ मोर इम्पल्सिव बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, विच वॉज नॉट देयर अर्लियर। So that beauty of any relationship, whether it was with parents or anybody, that was beautifully there in that era. Technology ne hame bahut pass zarur kar diya hai, lekin genuinely bahut dur kar diya hai. Because hum apne impulsive pe control nahi kar pate, hum apne aap se dur ho chuke hain. So that is what I feel. It's very true. Matlab ye mera bhi sochta hai. Matlab ek samay tha jab main apne bachpan ki bataun agar to aapko, jaise ki शाम को मम्मी को दूध का ग्लास देना होता था तो दरवाजे पे आकर चिल्लाती थी, पता है हम कहीं ना कहीं खेल रहे होंगे तो जोर से आवाज़ लगाएंगी, दूध आ गया है, ले लो पी लो, हम भाग के जाते थे दूध ले लेते थे। आज की डेट में अगर बेटे को या किसी को अपने बोलना भी है तो हम फ़ोन लगा देते हैं कमरे से दूसरे कमरे में। एब्सोल्युटली राइट। सो आप कैसे देखते हो इस लैंडस्केप शिफ्ट को, मतलब आपको क्या लगता है, लैंडस्केप शिफ्ट ज़रूरी है, ज़रूरी था, या इसमें और शिफ्ट होना चाहिए? देखिए, AI के होते हुए शिफ्ट तो आएगा और बहुत तेज़ी से आएगा, और पिछले 10 साल में जो शिफ्ट आया है वो शायद, मतलब आज मैं 40 पे हूँ तो 30 साल में नहीं आया था, पिछले 10 साल में ज़्यादा आया है, राइट। और अब आने वाला शिफ्ट और तेज़ी से आएगा। शिफ्ट को हम नहीं रोक सकते, चेंज को हम नहीं रोक सकते, वो प्रकृति का नियम है, इट विल हैपन। लेकिन हम कितना अपने आप को उससे इफ़ेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो डिसीजन हमारा खुद का है। एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूंगा। पूछिए। एक्चुअली आपकी बुक में स्टार्टिंग में यू हैव टॉक्ड अबाउट वर्जिनिटी। एब्सोल्युटली। और ये चीज़ अगर हम देखें, आज सी जनरेशन की बात कर रहे हैं तो इट्स वेरी ओपन एंड एवरीवन टॉक्स अबाउट इट। एब्सोल्युटली। वेयर एज इन 80s और 90s एरा इट वाज थॉट एज अ टैबू। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? सी, मैंने इस पॉइंट को अपनी किताब में इसलिए उठाया है और इस किताब को लिखने की बहुत बड़ी वजह भी ये है कि आजकल की जो एडल्ट जनरेशन है वो अभी भी, लड़कियां स्पेसिफिकली, अपने बारे में बोलने से घबराती हैं, मिडिल क्लास गर्ल्स स्पेसिफिकली। एंड वो अपनी, वो वर्जिन हैं नहीं हैं, क्या है उनका स्टेटस, उनकी सेक्सुअलिटी का क्या स्टेटस है, उसके बारे में ओपनली डिस्कस नहीं करती हैं। और ये ना पहले होता था ना आज होता है, और ये टैबू अभी भी है, बहुत हद तक है। जो बच्चे बोलते भी है ना कि हम इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वो जेन्युइनली उसको समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं उनको नहीं पता है। सो आई वॉन्टेड टू पुट इट अक्रॉस वेरी स्ट्रांगली कि वर्जिनिटी इज नॉट समथिंग ऑन विच अ पर्सन हैज टू बी जज्ड, और सबसे पहले आप खुद को जज करना बंद कीजिए उसके ऊपर। सो दैट इज द होल रीजन आई पुट इट अक्रॉस देयर। वेरी ब्यूटीफुली प्लेस दैट थिंग। मतलब जब आप उस बुक को पढ़ते हो देन यू अंडरस्टैंड कि मतलब वो क्यों प्लेस किया गया है, एंड दैट इज वेरी ब्यूटीफुली डन। बट हाउ यू फील दैट, how important is for schools, colleges and the complete sexual education what need to be done for the kids? Yeah, aajkal OTT aur Netflix pe itna kuch hai ki shayad sexual education ki zarurat hi nahi hai. See, sexual education ki bahut zyada zarurat hai, and kahin na kahin main samajhti hu hamare paas ek sexual education ka subject hona chahiye, chahe wo schools ke tarah ho ya hum coaching mein itne sare subjects pe lagate hain. Apne bacche ko sexually educate karna ye hamari zimmedari hai, aur agar hum wo nahi karenge और सीधा उन्हें OTT प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल दे देंगे तो सही क्या है और गलत क्या है और क्या उनको चाहिए, वो जजमेंट वो नहीं कर पाएंगे। हम वो स्पेस नहीं देते हैं उन्हें, वो ग्रो करने का स्पेस, धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने का, वो हम नहीं देते हैं। वो एजुकेशन सिस्टम को देना चाहिए, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सेक्शुअल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन इन आवर कोर्स करिकुलम्स। आई फुली एग्री टू दैट क्योंकि आजकल कंटेंट इतना अवेलेबल है कि उस कंटेंट को देख के जनरेशन नेगेटिव ले रही है या पॉजिटिव ले रही है, दैट इज रियली अ कंसर्न। व्हाट आई, दे डोंट नो व्हाट द प्लेजर इज फॉर देम।
दे आर सच इन अ टैबू. उनको लगता है जो टीवी पे दिख रहा है वो सच है. वो सच है. उसको करने में दैट्स अ शूट, दैट इज समथिंग अनरियलिस्टिक. जो रियल है वो तो उसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है. पता ही नहीं. और अपने बारे में नहीं पता कि खुद को किस चीज से अच्छा लगेगा. वो अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप उन्हें एक ओपन प्लेटफॉर्म सिर्फ दे देंगे और कहेंगे आप इस बारे में बात नहीं कर सकते, ना अपने घर पे बात कर सकते हैं, ना किसी सीनियर से बात कर सकते हैं. हर आदमी अगर आपसे बच के भागेगा इस टॉपिक पे और आपको कहेगा कि नहीं, योर थॉट प्रोसेस इज रॉन्ग, दैट्स नॉट करेक्ट. कभी कभी क्या होता है, ओवर इन्फॉर्मेशन भी शायद सही नहीं होती. बिल्कुल नहीं होती. और मिखल में आज की जनरेशन में टेक्नोलॉजी के कारण जो ओवर इन्फॉर्मेशन है वो कहीं हार्मफुल भी होती जा रही है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट हाउ यू सी 90s रोमांस different from today's romance? Impulsiveness. Just one word? Yeah. Today's romance is very impulsive. If I have a feeling, I'll just type it down. Oh, relationship start on a SMS and break up on an SMS. Then in a block done. Khatam. I'll tell you something. I proposed one girl when I was in... Ab bataunga nahi kahan. Audience dekh rahi hai. And to propose... I took almost, I think, 15-20 days just thinking that how to speak up, how to say. So that's the fear at that time was. So आज की generation शायद हाँ आप सही कह रहे हो कि बस type किया और काम हो गया. एक एक emoji, एक वो Korean emoji बनाओ और काम खत्म. Perfect. So how you look like gender roles, communication styles, या social expectations, and how you want to cover all these things in your books? Maybe in coming books. Yeah, I would love to cover the gender roles and communication. These two things I want to cover up in my books, in future books. Because gender, कोई भी हो, उसको exactly क्या चाहिए अपने आप से और उसकी growth कैसी होनी चाहिए, और communication के बगैर कुछ नहीं हो सकता. ये हमारी generation को आज को समझना पड़ेगा और हमारा काम है उनको इसके बारे में बताना. जितने सटल फॉर्म में बता सकते हैं उतने सटल फॉर्म में बताना. दैट इज़ व्हाट आई हैव ट्राइड टू पुट इन. मैंने सटल तरीके से पुराने रोमांस को आज की इन्फॉर्मेशन में डाला है. सेम चीज़ ही मैं आगे भी करूँगी. बिकॉज मेरा ये मानना है, अगर मैं एक 8 साल के बच्चे को ये किताब दूँ और उसमें उतनी कैपेबिलिटी है पढ़ने की इंग्लिश या हिंदी, या मैं इसको वॉइस फॉर्म में दूँ एंड वो समझ सके, उस रोमांस को समझ सके, उस चीज़ को समझ सके, देन आई हैव माई जॉब इज़ डन. 8 to 10 years of a kid, if we can read that book, and he should not feel, neither should parents should feel that there is something obscene in a love story. So love is a beautiful thing, and that has to be coming across to everybody, and it only comes across when there is a clear communication. Otherwise, it never comes across. Perfectly said. So, जैसे कि अगर हम इस book की बात करते हैं, तो जो कविता का जो character है, वो पूरे time तो confused रहती है. And last में she, the decision what she takes, so that decision मैं बता नहीं सकता audience को कि what the decision is, उसके लिए आपको book पढ़नी पड़ेगी क्या decision था. But that decision is something जो एक image छोड़ता है कि she was using both of them. Kind of. So and do you think that she was correct? See, I will say it's about making choices. Okay, so हम ना अपनी लाइफ में इतने सारे इमोशंस और इतने सारे लोगों से मिलते हैं. हर इंसान से मिलकर हमें एक डिफरेंट इमोशन आता है, लेकिन हम उस इमोशन को समझ नहीं पाते जब वो इमोशन हमारे पास आता है, और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को नहीं समझते. कविता ने वो डिसीजन एट द एज ऑफ 21-22 लिया. आज अगर कविता 20 साल बाद भी वही डिसीजन लेती तो क्या वो होता, नहीं होता, वुड हैव बीन समथिंग टू बी डिस्कवर्ड अक्रॉस. बट I never felt while writing the book or while putting up that entire character that she is using somebody. What I felt was she was not able to search her own self. Agreed. So, agar aadmi khud bahut confused hai, to wo apne aas paas sabko confused rakhega. So, jo message main is kitab se dena chahti thi, wo ye ki agar aap khud confused hai, to dusron ki zindagi mat confuse kijiye. चाहे मैंने सही इंटरप्रेट किया मतलब. तो अगर मैं इस वर्ड को लेता हूँ, डिसीजन. डिसीजन एक ऐसा वर्ड है जो हर जनरेशन में, हर डिकेड में बदल जाता है, हर किसी के प्रोस्पेक्ट से बदल जाता है. तो हाउ यू डिस्क्राइब दिस वर्ड डिसीजन, और आई विल से कंपेयर दिस वर्ड डिसीजन फ्रॉम 90s रोमांस टू टुडेज रोमांस.
डिसीजन, पहले के डिसीजंस हमारे हमारे खुद के नहीं होते थे, जो अगर आप पुरानी बात करेंगे 90s की 80s की, उससे पहले की 2000 से पहले की जो टाइम था, उसमें वो डिसीजंस हमारे बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते थे फैमिली के, हमारे आसपास के लोगों के, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। आज की जनरेशन इतनी रेबेलियस है कि वो बहुत छोटी एज में अपने खुद के डिसीजंस लेना सीख जाती है। यस, बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू देम एट अ वेरी लार्ज स्केल, एंड हमारा एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू वॉट इट वॉज अर्लियर, एंड उसकी वजह से आज की जनरेशन, आज के लोग डिसीजन बहुत इन्फॉर्म्ड तरीके से ले पाते हैं, अपने आप ले पाते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन जो पहले की जनरेशन थी, एक तो उसके पास इन्फॉर्मेशन कम थी और दूसरा उसके पास इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, तो उसके लिए डिसीजन बहुत डिफिकल्ट होता था और बहुत तोल मोल के, सोच समझ के डिसीजन लिया जाता था। आज डिसीजन लेने में इम्पल्सिवनेस अगेन आ जाएगी और तुरंत ले लिया जाएगा बगैर सोचे हुए, गलत है सही है लॉन्ग टर्म क्या है। तो ये भी तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का भी नतीजा है। हाँ है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि आप कन्फ्यूज हैं कि आपको एक्चुअली डिसीजन लेना क्या है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली कन्फ्यूज है हम, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है। लेकिन उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास हमारा जो सिस्टम है वो इन्फॉर्मेशन हमें सही गलत भी सिखाती है। हमारे एक्सपीरियंसेस भी बहुत जल्दी जल्दी हम लेना सीख गए हैं, तो अगर हम उसी में इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल करना सीख जाएं, क्योंकि आज सिर्फ इम्पल्सिवनेस नहीं है, स्पिरिचुअलिटी भी बहुत लेवल पे इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल है, तो उसको भी आज मैंने देखा है बहुत कम एज में बच्चे इनकलकेट करने लग गए हैं। उसकी वजह से वो ठहराव आएगा, बट दैट माइट टेक टाइम एंड इट इज इंडिविजुअल बेस। डेफिनेटली, आपकी जो प्रोटैगनिस्ट है कविता, शी इज फैन ऑफ शाहरुख खान, आप कितनी बड़ी फैन है शाहरुख? बहुत बड़ी फैन हूँ शाहरुख खान की। तो वो शाहरुख खान मतलब आपसे इंस्पायर्ड? शाहरुख खान मुझसे इंस्पायर्ड होते तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मतलब वो कैरेक्टर, सॉरी, कैरेक्टर है वो आपसे इंस्पायर्ड है। हाँ, ऑब्वियसली शाहरुख खान एक ऐसी चीज है जो उस एरा में या तो कोई सलमान खान का फैन होता था या शाहरुख खान का या आमिर खान का, यू नो, दीज थ्री खान्स वर एक्चुअली रूलिंग दैट टाइम। I think still ruling. Yeah, still ruling. So, but that time Shahrukh Khan was love guru kind of a thing. So, अगर मैं शाहरुख खान के बारे में ही बात करूँ आपसे, तो which one character of शाहरुख खान जो आप अपने इन characters में देखती हैं? इन characters में? Yes. शाहरुख खान का कोई character नहीं देखती मैं इनमें। नहीं, इनमें से किसी character के अंदर शाहरुख? पर शाहरुख खान का favorite movie? शाहरुख खान, मेरी favorite movie about शाहरुख खान, that will be कुछ कुछ होता है। तो रोमांस लिखना ना अपने आप में बहुत इजी भी माना जाता है और बहुत टफ भी माना जाता है। बिल्कुल, तो इजी इसलिए मानते हैं क्योंकि जनरली रोमांटिक स्टोरीज खुद से इंस्पायर्ड होती हैं, कहीं ना कहीं हम अपना कैरेक्टर्स ढूंढते हैं उसमें, और टफ इसलिए माना जाता है क्योंकि रोमांटिक स्टोरी इज अ स्टोरी अबाउट इमोशंस। सो व्हाइल राइटिंग अबाउट इमोशंस, आपको क्या प्रॉब्लम्स आई एंड व्हाट यू फेल्ट कि यार यहाँ मुझे टफ लग रहा है या इमोशंस को एक्सप्रेस करने में टफ, हाउ यू डेल्ट विद दीस इमोशंस? सी, सबसे इम्पोर्टेंटली इस किताब को लिखने से पहले मैंने इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया था और मैंने इसमें तीन तरीके के क्लाइमेक्सेस लेके इसको बनाया कि इस तरह से घूमेगी कहानी। वो मैंने पहले स्ट्रक्चर डिफाइन कर रखा था। जब स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है तो आपके लिए ये इमोशनल ट्रॉमास हैंडल करना ईजी हो जाता है, क्योंकि आप उस स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाते। सो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बुक लिखना इज अ ईजियर वे टू राइट अ फिक्शन बुक इवन। अगर मैं सिर्फ कहानी लिख दूँ तो मैं पता नहीं शायद किताब ही पूरी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो इमोशंस अलग तरीके से चलते। सो स्ट्रक्चरिंग वॉज डन बाई मी इन द फर्स्ट टेन इटसेल्फ। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम इनिशियल लेवल पे स्ट्रक्चर करने में, लेकिन मैंने वो जो पहले दो हफ्ते स्ट्रक्चरिंग करने में लगाए उससे मुझे किताब लिखना ईजी हो गया। इमोशंस को डिस्क्राइब करना है, इमोशन को डिस्क्राइब करना है, क्योंकि मैंने अपने आप को प्लॉट में जोड़ दिया कि मुझे इस प्लॉट में ये इमोशन लेकर आना है। अच्छा, कौन कौन से कैरेक्टर्स रियल हैं? सो पूजा इज अ रियल कैरेक्टर। ओके, शी इज अ रियल कैरेक्टर। शी हैज रेड दिस बुक? या, शी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, सो शी हैज रेड द बुक। एंड व्हाट वाज हर फीडबैक? यू कांट प्ले मी सो शेडी एंड डार्क। I was about to think that. Then they can actually ask this question. Yeah. So, and what about Dhruv? That is also a character, but the name is changed. And did you, आपने बताया उन्हें कि मतलब name has been changed and it's you? No. ऑडियंस के सामने बताना चाहेंगे? नहीं, अगर उसने किताब पढ़ ली तो मुझे पक्का
he will call me across for sure. Like this happened with me when I wrote My Mute Girlfriend. तो उस book में main protagonist के names change थे. Otherwise all the other names ना वो जितने मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे everyone's name was there. Not only name the complete characteristics were there. कोई अगर सिगरेट पीता था तो उसका सिगरेट का था कि हॉस्टल में सिगरेट पीता था ये करता था सब कुछ एवरीथिंग वाज मेंशनड यार क्योंकि कहानी बनाने के लिए ना कोई कैरेक्टर तो दिमाग में चाहिए ना तो कोई तो कैरेक्टर जुड़ेगा उससे ठीक है एंड व्हेन दे रेड दिस बुक दे कॉल्ड मी बैक कि भाई ये सिगरेट की बात क्यों लिख दी वो तो नहीं लिखना चाहिए था माय वाइफ इज आस्किंग मी क्या मतलब सिगरेट पीते तो मिलती हॉस्टल में That happens. I understand that. मेरे कॉलेज में अभी तक शायद लोगों ने ज़्यादा किताब पढ़ी नहीं है। नहीं, I think then सबको पढ़ना चाहिए किताब। Then they will know okay, exactly. जी। Feelings and emotions and all those things. Absolutely. So you have written this book, then you have self-published it. Yes. So how was this journey? क्योंकि मैं इन चीज़ों की बात करता हूँ ताकि ऑडियंस जो बडिंग ऑथर्स हैं वो सेल्फ पब्लिशिंग ट्रेडिशनल पब्लिशिंग इन सब के बारे में भी समझ सकें एंड आई थिंक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब बाय सेल्फ पब्लिशिंग इट एंड यू आर सेलिंग इट नाइसली सो आपका क्या जर्नी के बारे में आप थोड़ा डिस्क्राइब करें सी आई टुक द कोचिंग इन हेल्प फ्रॉम श्वेता समुता हु इज एक्चुअली डूइंग अ गुड वर्क गेटिंग द ऑल बडिंग ऑथर्स कम अप So she, her entire course, I took it across and it actually helped me step by step to go by the publication. And it was really very, very simple form. She has worked it out, even the copyright and everything. So I have used that platform and I have understood and done that. It was a very easy way to do it because her description of the entire thing is very easy. And what's your experience about self-publishing? Because अकेली book publish करना मैं कहता हूँ सबसे smallest step होता है but सबसे difficult होता है editing के बाद सबसे difficult step publication no सबसे difficult है sell करना actually 10% is only writing the book 90% is selling absolutely right मैं इस journey के बारे में जानना चाहता हूँ What's your experience about it? See, जब मैंने publication देखो मैं ना because you are aware I'm a 80s kid so if I'm an 80s kid for me IT can never be that easy हमने सीखा है आईटी बट ये जो ड्राफ्टिंग होती है ना और जो सेटिंग ऑफ द बुक एज पर द फॉर्मेट्स अवेलेबल एंड ऑल दोज थिंग्स फिर कैसे फॉन्ट बढ़ाना है कैसे चीज़ें करनी है फिर केडीपी पे कैसे जाना है कैसे लिंक उस केडीपी पे जाके केडीपी सेलेक्ट यूज़ करना है एंड ऑल दोज प्रोसेस आई हैड टू लर्न आई हैड टू राइट आई हैड टू अंडरस्टैंड एंड टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस आई वॉज एबल टू डू इट बट द डेट 5th of October 2022, I published it across in the morning, early morning hours. And when I was doing it entire night, I was so stressed that I should do it at what time? What is the right time to publish it? So, the process is interesting. मुहूर्त वगैरह भी निकाल लेते हैं कई लोग. मुहूर्त निकाल नहीं पाई मैं actually, but मैं कर दिया छुट्टी थी उसे. And it's doing good, ना? Yeah, it's doing good. So, what are some initial reviews? How you take reviews? मतलब reviews का मेरा question का मतलब ये है कि How you take positive and negative reviews? Because obviously हम book लिखते हैं तो कोई किसी को अच्छी भी लगती है किसी को बुरी भी लगती है How you perceive negative reviews? How you perceive positive reviews? What's your view at that time? आपको कैसा लगता है उस समय रिव्यूज में नेगेटिव रिव्यूज टचवुड मुझे कोई बहुत नेगेटिव रिव्यूज नहीं आए हाँ लोगों ने ये ज़रूर कहा कि आप इसमें थोड़ा और तरीके से मसाला डाल सकती थी या इसमें आप और कुछ चीज़ें और तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकती थी दैट इज़ द ओनली रिव्यूज़ आई गॉट द ओनली नेगेटिव रिव्यू आई विल से इज़ द पीपल हु आर क्लोज टू मी हैवंट रेड द बुक इवन आफ्टर 18 मंथ्स ऑफ पब्लिकेशन एंड माई फादर हैज़न्ट रेड द बुक माई मदर हैज़न्ट रेड द बुक बिकॉज़ इट्स नॉट इन हिंदी एंड My close friend circuit hasn't read the book. They have bought the book. They haven't read the book. So that's the only negative feedback I have. After writing 8 books, मैं आपको एक suggestion देता हूँ. जो books है ना, family, friends, ये कभी नहीं पढ़ते. ये कभी नहीं पढ़ते. जो readers है ना, वही पढ़ते हैं. Family और friends, आपने कहा ना books खरीद ली, पढ़ी नहीं है. क्योंकि आपकी फर्स्ट बुक है तो डेफिनेटली उन्होंने खरीद ली मैं आपको लिख के देता हूँ नेक्स्ट बुक आपके खरीदेंगे भी नहीं दे विल एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट बुक आप उनको गिफ्ट कर देंगे अदरवाइज वो खरीदेंगे नहीं और वो पढ़ेंगे भी कभी नहीं बहुत ही कम फैमिली मेंबर्स होते हैं या बहुत ही कम फ्रेंड्स होते हैं जो एक्चुअली जो असल में रीडर्स होते हैं एक्चुअली एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू बिकॉज द एज इन विच वी आर ना हमारी फ्रेंड्स भी ऑब्वियसली हमारी एज के होते हैं बिल्कुल हमारी एज और वो सब बिजी हैं से हम बिजी हैं
दे डोंट हैव टाइम टू रीड आर बुक्स एंड ऑल दोस थिंग्स. तो वो जनरली ले तो लेंगे कर्टसी में कि यार मेरे फ्रेंड ने लिखी है तो बुक ले ली, बट जनरली लोग पढ़ते नहीं है. मैं तो अपने फ्रेंड्स को लिटरली स्क्रीनशॉट्स खींच के भेजे उन रिव्यूज़ के जहाँ पे रीडर्स ने मुझे लिख कर दिया कि हमने आपकी किताब 2 days में ख़त्म कर दी. एक रीडर है क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, ही रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स बिकॉज ही ट्रैवल्स अ लॉट, सो ही एक्चुअली फिनिश द बुक व्हाइल ही बोर्डेड द फ्लाइट फ्रॉम यूएस एंड ही केम टू इंडिया. It's possible. I have read this in 3 days. Yeah. So. और मैं 3 दिन लगातार नहीं पढ़ा. I generally read at night. तो मैंने वो 3 रातों में खत्म कर दी. तो मुझे सबसे अच्छा फीडबैक मेरी किताब का एक ही लगा कि जो मेरा थॉट था कि इस किताब को अगर कोई पकड़े तो जब तक वो इसे खत्म ना कर दे इसे छोड़े ना. That was one thing जब मैं editing कर रही थी तो यही चीज मेरे दिमाग में थी कि when somebody picks up this book, it should not be very lengthy, it should not be very boring, it should not give away the you know the flavors of romance. एंड वो चलता रहना चाहिए कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली. वही था आपकी बुक में, आपके हर दूसरी पेज में ना कुछ ना कुछ हो रहा था. कुछ ना कुछ हो रहा था. कभी ब्रेकअप हो रहा था, कभी पैचअप हो रहा था, कभी पैचअप हो रहा था, कभी पार्टी हो रही थी. तो हर दूसरे पेज में कुछ ना कुछ हो रहा था. तो आई ऑल्सो कंटिन्यूड एंड आई फिनिश्ड इट इन आई थिंक 3 days में मैंने खत्म कर दी थी वो. के वैसे ही मेरी रीडिंग स्पीड थोड़ी ज़्यादा है बिकॉज आई ऑब्वियसली डू पॉडकास्ट. तो मुझे बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ मैं. जनरली मैनी ऑथर्स दे कीप ऑन सेंडिंग मी बुक्स. मतलब कई बार होता है मैं एट ए टाइम 2-3 books भी पढ़ रहा होता हूँ. लेकिन मॉर्निंग आज मेरी एक हैबिट है, मैं वॉक करने जाता हूँ तो जनरली मैं ऑडिबल पे कनेक्ट करके बुक लगा लेता हूँ. वो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हमें जब इतनी किताबें पढ़नी है तो हमें करनी है. तो मैं एक टाइम एक मॉर्निंग में बुक पढ़ लेता हूँ, देन इवनिंग आवर्स में मुझे अगर पढ़ना है तो मैं लाइट सी बुक उठा लेता हूँ. जब रात को पढ़ना है तो फिर एक बुक उठा लेता हूँ मूड के हिसाब से. अगर रोमांस पढ़ने का मूड हो रहा है तो एक रोमांस उठा लिया. तो आई ऑलवेज हैव सो मेनी बुक्स पाइल्ड अप विद मी नेक्स्ट टू बेड. हाँ, नेक्स्ट टू बेड जो चाहिए वाली बुक में पिकअप कर लेता हूँ. तो हाउ इज योर रीडिंग, बिकॉज आई नो यू वर्क ऑल्सो, यू राइट ऑल्सो, यू आर डूइंग PhD ऑल्सो. तो रीडिंग कितना है? आई एम अ वोरेशियस रीडर, सो आई ट्राई टू रीड एटलीस्ट यू कैन से इन अ वीक्स टाइम आई कंप्लीट अराउंड more than 1500 pages. So it can be a research paper, it is clubbed with a book. So a book at least I try of 200 pages to finish in a week. For sure. And this year I've taken a vision board challenge also to complete 52 books. So I'm trying my level best, let's see how it goes. This year I have finished almost 5-6 in January. See? So my target is also similar. And which is the best book you feel? मतलब आपकी favorite book कौन सी है? मेरी book के अलावा मेरी book तो आपकी favorite होगी. नहीं, actually मेरी खुद की favorite book अगर आप बात करेंगे तो कोई एक book नहीं है, because books बहुत interesting होती हैं. हर book में कोई ना कोई एक नई चीज़ होती है. इतना मुझे पता है कि because of this reading habit of mine, which has been inculcated from the very young age, and उसकी वजह से मेरा व्यक्तित्व, मेरी पर्सनालिटी और मेरा एंटायर लाइफ हैज़ बीन डिफाइंड बिकॉज ऑफ दीज बुक्स. मुझे अपनी गलतियाँ भी समझ में आती हैं किताब पढ़ के, और मुझे नेक्स्ट क्या करना है लाइफ में वो भी समझ में आता है. और मैं सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर तरह की किताब की बात कर रही हूँ. आप अच्छी ना मेरे शो की थ्योरी बता रहे हैं. मैं अपने हर शो में कहता हूँ कि मैं किसी बुक का रिव्यू नहीं देता. व्हेन आई गिव बुक थ्योरीज वीडियो आल्सो मैं कभी कहता हूँ मैं बुक का रिव्यू कभी नहीं देता, बिकॉज मेरे हिसाब से कोई बुक 1-2-5 star रेटिंग है ही नहीं. इन एवरी बुक यू गेन समथिंग, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलता है बुक पर, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, कितनी बुरी हो, इंटरेस्टिंग हो ना हो, कुछ ना कुछ यू ऑलवेज गेन फ्रॉम ए बुक. एंड दैट द होल कंसेप्ट ऑफ दिस शो ऑल्सो, बुक्स एंड थ्योरीज. वी नेवर गिव रिव्यू ऑफ एनी बुक, वी टॉक अबाउट एवरी बुक, और हर बुक में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है. Absolutely. आपकी बुक में से आप क्या सोचते हो? What is the theory what you can give out of your book? मेरे दिमाग में है, मैं आपकी मुझे सुनना चाहता हूँ. सी, मेरी बुक लिखने के टाइम पे जो थ्योरी दिमाग में थी, मार्केटिंग के टाइम पे चेंज हो गई, बट बुक लिखने के टाइम पे जो थ्योरी दिमाग पैसे कमाने थे तो बदल गई. एक्चुअली पहली बुक ज्यादा पैसे कमाती नहीं है जहां तक मुझे समझ में आया इंडस्ट्री में. तो आगे की भी मुश्किल से ही कमाती है. सो मुझे बुक लिखते समय मेरा थॉट ये था कि जब भी मैं एटलीस्ट एक लाइफ किसी भी लड़की की या लड़के की, एनी बडी ह्यूमन बींग, आई कुड मेक अ चेंज बाई मेकिंग देम हैव देयर कम आउट ऑफ देयर कन्फ्यूजन्स एंड टेक द राइट डिसीजन. दैट वॉज वन थिंग इन माई माइंड वेरी स्ट्रांगली व्हेन आई वॉज राइटिंग द बुक. मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं कोई दुनिया बदल दूंगी, बट एक इंसान की जिंदगी एटलीस्ट बदल दूँ उस लेवल पे. दैट वॉज द ओनली थॉट व्हेन आई रोट दिस बुक. एंड स्लोली ग्रेजुअली जब मार्केटिंग चालू हुई, देन आई रियलाइज्ड कि लोगों को तो अभी
अपने इमोशंस के बारे में और हार्मोन्स के बारे में समझ में ही नहीं आता, बिकॉज आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ रिव्यूज एंड पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट. देन आई रियलाइज कि नहीं, आई शुड मेक पीपल अंडरस्टैंड अबाउट हार्मोन्स ऑल्सो, हाउ हार्मोन्स इफेक्ट आर लाइफ एंड अवर ऑल इमोशनल थिंग्स. सो देन आई मार्केटेड इट इन दैट वे. मेरे दिमाग में दो थ्योरी निकली थी इस बुक से. फर्स्ट ऑब्वियसली कि हाउ कन्फ्यूजन कैन लीड टू योर वे ऑफ लाइफ, तो आपने कन्फ्यूजन्स को कितना कम कर सकते हो टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ. दिस वॉज द फर्स्ट थ्योरी विच आई गॉट. एंड सेकेंड थ्योरी जो मेरे दिमाग में आई थी कि कैसे आप अपने कैरियर के लिए और आपका ही डिसीजंस अपने यंग एज में ले लेते हैं, एंड शायद लाइफ बहुत बड़ी है एंड समटाइम वी नीड टू वेट फॉर द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन. एब्सोल्युटली. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो आपकी बुक से बहुत क्लियर आता है, मतलब कई डिसीजन है उसने कोचिंग में जाके डिसीजन ले लिया, सो दैट इज़ नॉट करेक्ट. आपको वेट करना चाहिए, यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम टू सी कि आपकी लाइफ का डिसीजन कैसा होना चाहिए. दैट इज दैट्स होल प्रॉब्लम ऑफ हॉर्मोन्स ना. हमारे हॉर्मोन्स ऐसे काम करते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, एंड वी गेट हाईजैक्ड बाय इट. दैट्स द होल रीजन ऑफ द बुक टाइटल. कमिंग बैक टू 90s वाले एरा की बात में, हॉर्मोन्स, हाउ यू डिफरेंशिएट हॉर्मोन्स फ्रॉम 90s टू द Z जनरेशन. देखिए, जो 90s की जनरेशन थी वो पूरा पाथ फॉलो करती थी. ऑल दी हॉर्मोन्स दे यूज टू टच अक्रॉस, यू नो, दे वर लाइक फ्रॉम सेरोटोनिन टू दे यूज टू गो फॉर एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, मतलब दे यूज टू हैव दैट सेरोटोनिन टू स्टार्ट विद दैट अट्रैक्शन फीलिंग, देन दी एस्ट्रोजन टू हैव दैट लस्ट फीलिंग, एंड देन दे यूज टू गो टू दी ऑक्सीटोसिन एंड अदर थिंग्स. दैट दैट प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट एंड एवरीथिंग वॉज देयर. नाउ इट इज ओनली डोपामिन. हमें क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट्स द होल थिंग. एंड डोपामिन इज समथिंग, मैं ना कई एक पे वीडियो भी बना चुका हूँ डोपामिन के ऊपर. लाइक जो वीडियो गेम्स हैं जो आजकल लोग दिन भर गेम्स खेलते हैं, यू नो दिस इंडस्ट्रीज, द वीडियो गेम इंडस्ट्री जो जी जनरेशन की इंडस्ट्रीज हैं, दे एक्चुअली व्हेन दे क्रिएट सम वीडियो गेम दे पर्टिकुलरली टेस्ट कि इसको गेम को खेलने से कितना डोपामिन रिलीज हो रहा है. बिकॉज डोपामिन इज समथिंग व्हिच एक्चुअली टेल्स यू द एक्साइटमेंट लेवल. हमें राइटर्स को भी करना चाहिए. मैं तो सीरियसली सोच रही हूँ राइटर्स को भी अपना वो एक इनिशियल फीडबैक करना चाहिए. जब वो फीडबैक देते तो कितना डोपामिन रिलीज हो रहा है उसको भी हमें काउंट करना चाहिए, तो हम बुक को शायद ज्यादा बेटर मार्केट कर पाएंगे. कितना एक्साइटमेंट हो रहा है बुक. एग्जैक्टली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर फिक्शन, बिकॉज फिक्शन क्रिएट्स दैट एक्साइटमेंट. एंड वो अगर एक्साइटमेंट फिक्शन नॉवल में, फिक्शन बुक में आ रहा है, देन योर बुक इज अ सक्सेस. डेफिनेटली. बट उसको ऑब्वियसली डोपामिन लेवल नापने के लिए बहुत सारे रीडर्स चाहिए. आई नो. एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि मतलब मेरा हमेशा एक सोचना है, मतलब जब जनरली आपकी फर्स्ट बुक है, मैं आपको बताता हूँ, हम फर्स्ट बुक लिखते हैं सोचते हैं हमने बहुत अच्छी बुक लिखी है. और वैसे जनरली लोग लिखते भी हैं बहुत अच्छी बुक फर्स्ट, और मैं तो ये कहता हूँ बुक कोई ख़राब नहीं होती, बुक सब अच्छी होती, पर हमें ये समझ नहीं होती कि ये बुक लोगों तक पहुँचेगी कैसे. या तो लोग टाइटल देखेंगे या लोग कवर देखेंगे, पर लोग, जो मेरा पर्सनल थॉट है कि लोग जो बुक्स खरीदते हैं ना वो टाइटल देखते हैं ना वो कवर देखते हैं, वो देखते हैं ऑथर का नाम या वो देखते हैं पब्लिशर. पब्लिशर भी मैं कहूँगा ओनली इन 10% चांसेस, अदरवाइज ये सीधा ऑथर ने. एब्सोल्युटली. क्योंकि हमें नहीं पता कि बुक के अंदर क्या है, पर ये पता है कि इस बंदे की बुक मैंने पढ़ी थी अच्छी है, एंड दे पिक इट अप. तो नए ऑथर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हाउ पीपल विल नो दैट आपने अच्छा लिखा है, और वो आप कैसे करोगे, आपके दिमाग में क्या स्ट्रैटेजी है. देखिए, जब मैं ने किताब लिखी, मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को कवर किया कि सिर्फ 10% इज राइटिंग, पब्लिकेशन है, ऑल थिंग्स पुट टुगेदर, 90% इज मार्केटिंग. सो द मिनट आई रोट द बुक, आई वॉज लाइक कि मैं उससे पहले इंस्टाग्राम पे नहीं थी. आई वॉज नेवर ऑन इंस्टाग्राम बिफोर दैट. तो इंस्टाग्राम पे आना, इंस्टाग्राम पे आके बुक को प्रमोट करना, सोशल मीडियम पे आना, पब्लिक प्रोफाइल बनाना, पॉडकास्ट करना, तो ये जो स्टेप्स हैं, अपने आप को विजिबल करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. अगर हम विजिबल हैं, जो दिख रहा है वो बिकेगा, तो वो दिखना ज़रूरी है, और वो लगातार दिखना ज़रूरी है, जो कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम कहती है, राइट. सो अगर हम लगातार दिखेंगे तो बिकेंगे. तो वो कॉन्सेप्ट अगर हम फॉलो करेंगे, मार्केटिंग का बहुत पुराना रूल है ये, तो अगर हम ये फॉलो करेंगे तो बिकेंगे. आप अपनी जॉब में मार्केटिंग में गया? नहीं, मैं ऑपरेशंस में हूँ. मैं सोचा कि शायद तो फिलिप कॉटलर समझ नहीं आया मुझे कभी भी. नहीं, बट ऑब्वियसली मार्केटिंग, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ, मतलब बुक लिखना शायद सबसे ईजी टास्क लगता है, मतलब एज ए राइटर मुझे लगता है बुक लिखना सबसे ईजी काम है. मैंने बुक लिखी, ख़त्म काम मेरा.
उसके बाद तो मेन काम स्टार्ट होता है जब बुक मार्केट में आती है और उस बुक को बेचना. दैट इज द टफेस्ट थिंग व्हाट नीड टू बी डन, क्योंकि हर बुक एक जीरो से स्टार्ट होती है. बिल्कुल. और हर बुक के साथ आपको फिर स्ट्रैटेजी बनाना होगा, कैसे बुक बिकेगी, क्या करोगे, क्योंकि हर बार सेम स्ट्रैटेजी काम नहीं होती, या हर बार बुक का कंटेंट आपका डिफरेंट है, वो कंटेंट आपका काम नहीं करेगा. तो इट्स वेरी टफ टू मार्केट अ बुक, जो जनरली रीडर्स नहीं समझते. रीडर्स होते हैं, बुक आई है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है मेरी मर्जी है, बट उस बुक के पीछे कितनी मेहनत होती है आप बताइए, कितनी मेहनत होती है. आपने पहली बुक लिखी, रोज सोचना पड़ता है क्या करना है. डेली यू हैव टू थिंक एंड सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड. I don't know about the people who are full-time authors, but the people who are part-time authors like us who are having a full-time job, for all of us it is like it's a tough thing. Every day you have to create something new, you have to think in the same book what you can actually portray more. You can't always put a photograph of the book and say buy it. You have to think around it and you have to create it and link it to your own concept, and then you have to bring in more customers every time. It is very tough. ये तो मार्केटिंग सेल्स हो गया, बुक लिखना ही मैं कहता हूँ इट्स वेरी टफ. बिकॉज एक बुक लिखने में और कंप्यूटर में ऑलमोस्ट 6 months to 7 months लग जाते हैं. इफ यू आर कंसिस्टेंटली राइटिंग, इफ यू कंसिस्टेंटली राइटिंग, आई थिंक सो अ 200 पेज बुक यू कैन राइट इन 3 months ऑफ टाइम. बट वही उतने टाइम तक कंसिस्टेंट लोग हो नहीं पाते. एंड उसके बाद व्हेन द प्रोडक्ट कम्स आउट, इट्स मेरे को तो ना वो लगता है कि यार बुक आ गई, अब बुक आ गई, अब ना बुक बिकनी चाहिए, बुक बिकनी चाहिए, रैंक कितनी आ रही है. सो हाउ क्रेजी यू आर फॉर योर रैंक्स ऑन Amazon? इनिशियली आई वॉज, initially for the first 6 months I was very crazy. I was on Instagram, I was everywhere, I was on Amazon, I was trying all the things. Reviews were very important to me, every that portal of author dashboard, how to handle it, who is buying my book, sending them emails of thank you and everything. So making that buzz was very important. Once I reached that top 1 and 2 of top selling, after that that buzz went off. मेरा डोपामाइन अचीव हो गया था. दैट्स अ मिस्टेक यू आई थिंक. आई नो. तो वो उसके बाद क्या हुआ, द मिनट डोपामाइन अचीव हुआ उसके बाद 2-3 महीने आई वाज लाइक ओके हो गया. देन आई रियलाइज्ड ओ गॉड इतने सारे लोग फिर आ गए ऊपर. देन आई स्टार्टेड लुकिंग अगेन. सो इट इज नॉट समथिंग व्हिच वी कैन सिट डाउन एंड रिलैक्स टू इट. एक्चुअली Amazon ना आपका डोपामाइन नीचे होने ही नहीं देता. नहीं होने देता, बिल्कुल नहीं होने देता. हर घंटे जो रैंक अपडेट होती है ना, इट अगेन स्टेज है. हां, आपके डोपामाइन को वापस वो एक्साइट कर देता है कि भाई फिर शुरू हो जाओ, कुछ करो, अगेन कुछ करो. सो दैट इज देयर. तो अच्छा भी है. हां, कुछ करने, अरे हमें भी मोटिवेशन चाहिए ना. मोटिवेशन पर एटलीस्ट यू नो कि आपका बुक परफॉर्म कैसे कर रहा है. एब्सोल्युटली. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बुक में, वही कहता हूं, हर बुक में कुछ ना कुछ है, पर वो बुक रीडर्स के हाथ तक जा रही कि नहीं जा रही बहुत इंपॉर्टेंट है. पता नहीं मुझे, बट बेस्ट सेलिंग बुक कितनी खरीदी जाती है ये एनालिसिस मेरे पास अभी तक नहीं आया. नो, देयर इज अ फिक्स्ड नंबर इनटू इट. ओके. इफ योर बुक सेल्स 10,000 कॉपीज प्लस हार्ड कॉपी, नो किंडल एंड नो ऑडियो बुक, नथिंग, इट्स ओनली पेपर बैक, 10,000 प्लस अगर आपकी कॉपी बिक रही है, देन इट्स कॉल्ड अ नेशनल बेस्ट सेलर. Okay. My out of 8, my 6 books are national bestseller. Fantastic. And luckily, मेरा 2023 में मेरी 4 book national bestseller हुई. She raised her, You Are Still the One, Rhythm Roja Part 1, Rhythm Roja Part 2. Great. तो लेकिन it's a long journey. मतलब मैंने धीरे-धीरे करके सारी books लिखी. Obviously, it took time. But now I have 6 books in my kitty which are into a national bestseller categories. So 10,000 plus books you've sold for every year. Yes. Oh, great, fantastic. So, it's a journey, but you need to carry on with that same job. कह रहा हूँ ना कि हर घंटे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. चाहिए, so you need to continue doing all those things to maintain that level. अब जैसे मेरी next book आने वाली है, इसका नाम है Sunflower Lily Thriller. तो अभी आने में टाइम है, बट मेरे दिमाग में ही चलता रहता है इसकी मार्केटिंग कैसे होगी, उसके क्रिएटिव्स क्या बनेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी. So as an author, you need to keep on thinking all those things. तो आपके हिसाब से हमें किताब लिखने से पहले मार्केटिंग चालू कर देनी चाहिए, किताब की स्ट्रक्चर बनने के बाद एक कहानी बन जाए उसके बाद किताब रिलीज होने पे, रिलीज होने में मार्केटिंग करनी चाहिए. तो ये जो स्ट्रेटेजी आपके पास पहले से होनी चाहिए, बट जो ये प्री रिलीज मार्केटिंग होती है, एक एक डेढ़ महीने पहले लोग शुरू कर देते हैं. आज के में इतनी ज्यादा मार्केटिंग होने लगी है और इतने ऑथर्स आते हैं कि लोग बोर हो जाते हैं. आई नो. अगर आप अपनी बुक को 1-2 महीने पहले से मार्केट करना स्टार्ट कर दोगे और तो लोग जब बुक रिलीज होगी तब तक आपके पोस्ट देखना बंद कर देंगे. आई नो. वो कहेंगे तो रोज ही पोस्ट करती है, क्या देखना है इसको, तो देखना बंद कर दे. तो इसीलिए जब हमारी रिलीज हो रही हो तभी शुरू करनी चाहिए. तभी शुरू करना चाहिए. एब्सोल्युटली करेक्ट. अच्छा, मेरे शो का एक रिचुअल है जी,
कि हम रीडर्स को बोलते हैं बुक पढ़ने के लिए रील शॉर्ट्स कम देखो, वहाँ से डोपामाइन कम रिलीज करो, किताबें ज़्यादा पढ़ो किताबें ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। और वो करने के लिए हम ऑथर्स से पब्लिशर्स जो भी यहाँ शो पे आते हैं उनसे अर्ज करते हैं कि डू अ बुक डांस, और हम बुक डांस करके कहते हैं कि आप कहो कि हमारी बुक पढ़िए, बुक्स पढ़िए। सो आई वुड लाइक यू टू जॉइन मी फॉर अ स्मॉल बुक डांस। श्योर। सो रीडर्स, वी हैव मोलिका गर्ग हियर डांसिंग फॉर यू। हमारा जो बुक डांस का हमारा रिचुअल है, और क्योंकि आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है हार्मोन हाइजैक्स। परफेक्ट बुक है, दो दिन में ख़त्म हो जाएगी। कूल बुक है, स्वीट बुक है, परफेक्ट रोमांस बुक है, 90s वाले रोमांस का टच है, तो ज़रूर पढ़िएगा। ये बुक मेरे पास रहेगी, एंड दिस इज माई बुक, यू आर स्टिल द वन, अ गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच। और इसको लेके आपको थोड़ा डांस करना होगा मेरे साथ। Whatever you want, just urge your readers that go and buy Hormone Hijack. Okay. So, please go ahead and pick this book, Hormone Hijack, from Amazon and Flipkart. Both the places it is available, as well as all the fairs in India, all 11, 12 fairs which happen. It is available in every city. You can grab your book, read the book, and give your reviews. I have read it. It's beautifully written. बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। बहुत सिंपल बुक है, आप फटाफट इसको रीड कर लोगे। तो इसको पढ़ो और अपना डोपामाइन लेवल बढ़ाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।